हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसके ब्लॉग। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एवेंजर 220 क्रूज की कुछ मॉडिफिकेशंस आप लोगों के लिए। ये मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई थी टूरिंग के लिए, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण कोई भी टूर नहीं कर पा रहा है और मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि ऑफिस से आते वक्त मेरा मन किया कि ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई। सबसे पहले मैं आता हूँ सीट पे। ये जो सीट है ये मैंने खजांची से लगवाई थी। खजांची को तो आप सभी जानते होंगे, करोल बाग नाईवाला में, वहाँ से मैंने अराउंड 2600 रुपये की ये सीट लगवाई थी। मुझे इसके कवर की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लगी, एक साल भी नहीं हुआ और ये फट रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा वो है। ये मैंने फुट रेस्ट लगवाए हैं, ये एंटाइसर बाइक के हैं, वहाँ रखे हैं एंटाइसर बाइक जो कि यामा की आगे आती थी, उससे मैंने उतरवा के लगाए। इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें कि एंटाइसर बाइक के फुटरेस्ट मैंने किस तरीके से इंस्टॉल कराए हैं। और ये देखिए, ये फॉग लाइट है, ये लाइट्स मैंने लगवा रखी हैं। ये लेके आया था मैं करोल बाग से अराउंड 600 रुपए की। बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है इनकी रोड पे। ये अराउंड 8 LED हैं इनमें एक लाइट में, स्टिकर्स हैं और ये मैंने स्टिक वो करवा रखा है, इसके जो स्टिकर्स हैं वो करवा रखे हैं। यहाँ पे मैंने एवेंजर जो कि है वो स्टिकर में लिखवा रखा है। इसका जो ओरिजिनल था वो मैंने उतार दिया था, तो मैंने इस तरीके से कराया। इस पे देखिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो ये एंटाइसर के है, मेरी पोजिशन देखिए, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हालांकि मैं तो ये चाहूँगा कि एवेंजर को भी देना चाहिए, क्रूज़ में तो ज़रूर देना चाहिए। क्रूज़ तो यूज़ ही लंबे सफ़र के लिए होती है। और ये मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर लगवा रखा है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने एक JBL का ब्लूटूथ स्पीकर लगवा रखा है, जो आसानी से इसके ऊपर से उतर जाता है और कहीं भी मैं जाता हूँ तो इसे उतार के अपने साथ ले जाता हूँ। हर समय मेरी बाइक पर लगा ये नहीं रहता है, ये मेरा मन है आज म्यूज़िक सुनने का, तो मैं इसे बाइक पे लगा लूँगा। बहुत इजीली है, आराम से लग जाता है। JBL विंड का स्पीकर है ये, और कुछ लाइटिंग मैंने करा रखी है। ये देखिए, ये पीछे है टेल लैंप पे, रात को जब हम हाईवेज पे चलते हैं तो उस टाइम पे बहुत यूज़फुल है। जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा इसकी लाइटिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और इंजन में भी मैंने लाइट लगवा रखी है। इंजन की लाइट मैंने इसलिए लगवाई है कि रात को दूर से ही इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ही सुंदर रोड पे लगती है। एवेंजर 220 वैसे ही बहुत सुंदर बाइक है और मैंने इसमें कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कराए। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मॉडिफिकेशंस कैसे लगे। तो आप लोगों ने देखा मेरी बाइक की मॉडिफिकेशंस, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मॉडिफिकेशंस कैसे लगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे आपके लाइक्स की बहुत आवश्यकता है। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिर्फ एवेंजर ही है, मैं इसी के वीडियो लेके आऊँगा और भी बहुत से बाइकों के वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।